दोस्तों आज हम दिखाएंगे खूंटी कलम करके, आम में खूंटी कलम कैसे किया जाता है। और ये कोई आज का नया टेक्निक नहीं है, ये पुराना पुरातन काल से ही होता रहा है खूंटी कलम। खूंटी कलम में अर्थ क्या है, हम लोग इसे आम के जो पुराना वृक्ष है, जैसे 8 से 9 साल पुराना वृक्ष है, इसमें फल अच्छे नहीं आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अच्छे जो किस्म के फल होते हैं उसके जो सायन होता है, उसका मतलब उसका कलम हम ला करके इसमें ऐड कर देते हैं। तो खूंटी कलम कैसे किया जाता है और कब करना चाहिए, इसकी पूरी हम जानकारी आज हम करके दिखाएंगे आपको। तो हमें करना क्या है, जनरली एक अच्छा चाकू लेना है और उससे एक वर्टिकल चीरा लगाना है। चीरा ए साइज का बनाया जाता है, मतलब कि जैसे देखिए जैसे हम लोग बना रहे हैं, और चीरा ये ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, ये हार्ड वुड दिखने लगे उतना ही गहरा होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे पहले इसको काट करके, चाकू थोड़ा अच्छा होना चाहिए, हमारे पास संसाधन तो उतना अच्छा है नहीं, लेकिन काम चलाऊं साधन है। देखिए ये वर्टिकल चीरा लग गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक त्रिभुजाकार आकृति देंगे। त्रिभुजाकार आकृति में इसको हम काटेंगे, क्योंकि ये त्रिभुजाकार आकृति निकाल करके इसमें हम कलम बांधेंगे। ये देखिए ये हो रहा है। किसान भाइयों, ये जनरली आपका अगस्त सितंबर में किया जाता है, बरसात के मौसम में किया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर अच्छा रहता है और मौसम अच्छा होने के कारण इसे ज़्यादातर हम बरसात में ही करते हैं। और जो इसकी हाइट होती है, ये आप सामान्यतः 3 से 4 फीट पर आप कर सकते हैं, 5-6 फीट पर भी कर सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है। लेकिन जो इसकी जो गहराई है, आप ज़्यादा गहरा ना अंदर करें, और ये मतलब कि 3 से 4 सेंटीमीटर अंदर जब तक छाल निकल ना जाए, हार्ड वुड कटिंग तक आप कर सकते हैं इसको। जनरली देखिए ये ए सेम में बन गया है, और इसके त्रिभुज को हम निकाल देंगे। अब त्रिभुज को कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको एक पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी। तो पेचकस से हम इसको निकालेंगे आराम से, इसको ज़्यादा ज़ोर जबरदस्ती इसमें नहीं करना है, आराम से ये निकल जाता है। जहाँ पर कटा कम रहता है उसको हम और थोड़ा काटेंगे, बढ़िया है। इसमें जब या तो आम के आपके पौधे में एक बंची टाप लग जाता है, पूरा का पूरा प्लांट ख़राब हो जाता है ऊपर, तो हम जनरली इसको करके अच्छे पौधे को इसमें उगा सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, ये निकल चुका है, हम इसको क्या करेंगे, आराम से इसको निकालेंगे। अब देखिए ये जो हो गया हम लोगों का, ये निकल चुका है, इसको थोड़ा हम फैला देंगे, स्पेस इसमें जब हो जाएगा, इससे क्या होता है कि वो इसमें मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका जो सायन है ऐसे इसको चीरा लगाएंगे हम, एक इधर से ये चीरा लग गया, एक इधर से चीरा हम लगा देंगे, इसमें फिट हो जाए। हम दो सायन का इसलिए चुनाव किए हैं ताकि एक सायन अगर तो ख़राब होता है तो दूसरा सायन ना ख़राब हो, इसीलिए हम इसका दो सायन का हम चुनाव किए हैं। अब दोनों सायन हम इसमें ऐड कर देंगे। किसान भाइयों, ध्यान रहे कि चाकू को सैनिटाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, और चाकू में मूर्छा ना लगा रहे। मूर्छा वाले चाकू में आपका इन्फेक्शन का डर ज़्यादा रहता है, फंगस ग्रो कर जाते हैं या कोई बीमारी ग्रो कर जाती है, तो उसमें मूर्छा ना रहे, इसका ध्यान आप रखें। हम अब सायन को इसमें देखिए इसको पहले फैलाना पड़ेगा थोड़ा, और इसको फैला करके इसमें ये ऐड करना होगा, आराम से इसमें दोनों सायनों को इस तरह से ऐड कर देंगे हम ऐसे। ये सायन जब लग जाते हैं तो उसका अगर तो ऊपर का ये फल अच्छा नहीं होता है, तो हमें क्या करना है, इसके जब
इसको टफ वर्किंग करके काट के निकाल देंगे और ये सायन ये नया पौधा तैयार हो जाएगा। लेकिन पहले जब सायन तैयार हो जाए तभी इसको काट के निकालें। अब इसके एरिया को हम फिल कर देंगे आराम से, इसके एरिया को फिल कर देंगे और इसका ये जो पार्ट है बीच वाला इसमें आराम से कहीं से भी जगह एरेशन ना होने पाए। एरेशन को विशेष ध्यान होता है क्योंकि कहें कि एरेशन होने पर ये सूख जाता है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए आपको वैक्स या चिकनी मिट्टी से इसको लगाना पड़ेगा, लेपण करना पड़ेगा। ज़्यादातर वैक्स का ही प्रयोग करते हैं। ये जनरली आपको कोई भी किसी भी दुकान पे आपको अवेलेबल हो जाएगी बहुत आराम से वैक्स। वैक्स नहीं है तो आप चिकनी मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। चिकनी मिट्टी में होता क्या है, फंगस ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। इसको टाइटली बांध देना है एकदम से। आपके पास सुतली है या तो ये क्या बोलते हैं नारियल का जो होता है उससे ही बांध सकते हैं, लेकिन मैं प्लास्टिक से ही बांध दे रहा हूँ। बाद में हम इसको काट देंगे, जब सायन लग जाएगा तो काट के निकाल देंगे। अंत में हम ये भी बताएंगे कि इसको रखना कैसे, रख रखाव कैसे करना है, कितना दिन में तैयार हो जाएगा इसके बारे में बात करेंगे। आप जनरली घर पर कर सकते हैं तो इसके लिए कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है कि आप एक्सपर्ट बुलाएं कहीं से, आप तभी करें, आप अपने से भी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन कुछ बातों को विशेष ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे इंसेक्ट हो गए, डिजीज हो गए, इसमें रॉटिंग ना होने पाए। रॉटिंग की समस्या ज़्यादा आती है, इसके लिए आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसको समय समय पर फंजीसाइड, इंसेक्टीसाइड, इंसेक्ट अगर तो लगते हैं तो इंसेक्टीसाइड का प्रयोग कर दें, और फंगस ग्रो कर रहे हैं तो फंजीसाइड का प्रयोग कर दें। एरेशन को रोकने के लिए ये है वैक्स। अब वैक्स का इसके ऊपर लेपण लगा देंगे हम इस तरीके से, ताकि बिल्कुल भी वैक्स, ये थोड़ा खुरदुरा है लेकिन दुकान वाला अच्छा दिया नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सॉफ्ट वैक्स लेकर के इसमें लगाना है। हम इसको वीडियो में लगा रहे हैं लेकिन हम इसको बाद में अच्छे से करेंगे, आपको दिखाने के लिए अभी लगाना ज़रूरी है। इसका इस तरीके से नहीं, थोड़ा जब ये सॉफ्ट होता है तब इसको लगाने पर अच्छा काम करेगा। तो हमें समय समय पर ध्यान देना पड़ेगा कि इसका इस इंसेक्टीसाइड का प्रयोग कब करें और फंजीसाइड का प्रयोग कब करें। जब फंगस ग्रो करे तो इसे फंजीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं आप, और जब इंसेक्ट लगे तो इंसेक्टीसाइड का ज़रूर प्रयोग करें। इस प्रकार से आप कलम को देखिए, ये लगभग 10 से 20 दिन में इससे आपको पत्तियां निकलना स्टार्ट हो जाएंगी इस दोनों से। ये ध्यान रहे जो सायन होता है ये पेंसिल थिकनेस होना चाहिए, मतलब कि पेंसिल के आकार की होना चाहिए। और ध्यान रहे कि ये जुलाई से लेकर के सितंबर के माह में अच्छे से सायन लग जाते हैं। तो ये पेग ग्राफ्टिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और वैसे खूंटी कलम कहते हैं या बगल कलम कहते हैं। ये आम के पौधों में ज़्यादा प्रचलित कलम माना जाता है, और ये ज़्यादातर पुराने पौधों में किया जाता है, 50 से 60 साल पुराना या 10 से 20 साल पुराना। किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।